तो ये इन लोगों को ग्रामीण से या किसी अदर पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है। तो इस रोड की हालत, मतलब जो बड़े मंत्री आ रहे हैं उनके लिए तो अच्छी रोड खुल जाती है, अलग से रोड खुल जाती है, अलग से सैनिक स्कूल की अलग से रोड खुल जाती है, पर जो मंदिर में जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको तो हर तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। जिस प्रकार से नेता लोग उस टाइम पे आए हुए थे कि आप हमें वोट दीजिए, हम आपके लिए ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, ये सुविधा देंगे, परंतु ये सब चीज़ें जितनी सारी खोखली नजर आ रही हैं। इतना तो हम पहाड़ों में नहीं चलाते, लेकिन जब ये हालत देखते हैं और प्लस हम साइकिल चलाते हैं तो भी प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर हमें साइकिल से उतर के साइकिल घसीटनी पड़ती है। भवाली से घोड़ाखाल मंदिर जाने वाले मार्ग की हालत दिन प्रतिदिन खराब हो रही है। स्थानीय लोगों के अलावा मंदिर के दर्शन करने आने वाले लोग भी इससे काफी परेशान हैं। लोगों को डर इस बात का भी है कि चालक की जरा सी चूक देव दर्शन नहीं बल्कि मौत के दर्शन भी करवा सकती है। पूरी दुनिया में प्रसिद्ध और आस्था के केंद्र, न्याय के देवता के रूप में पूजे जाने वाले गोलूदेव के दर्शन को तमाम श्रद्धालु नैनीताल जिले के घोड़ाखाल पहुँचते हैं। इन श्रद्धालुओं में तमाम VVIP और बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। हुटर बजाती गाड़ियां सीधा घोड़ाखाल मंदिर खड़ी हो जाती हैं और VVIP दर्शन कर वापस रवाना हो जाते हैं, मगर ये VIP उस सड़क से मंदिर पहुंचते हैं जो आम आदमियों के लिए बंद कर दी गई है। ये सड़क है घोड़ाखाल स्थित शहीद सैनिक स्कूल के मध्य से गुजरने वाली, जबकि इसके ठीक नीचे की तरफ की सड़क जो कि बाद में बनाई गई थी वो आम आदमियों के लिए है और जिसकी हालत बेहद खराब है। 15 साल पहले प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़क बनवा दी गई, पर अब इसकी मरम्मत नहीं की जा रही। कभी कभार पैच वर्क भी कर दिया जाता है, लेकिन वो अभी एक बारिश में धराशाही हो जाता है। काफ़ी पहले हुई थी इसकी, और परंतु सुनने वाला नहीं है। सब आते हैं और बोलते हैं रोड कल ठीक हो जाएगी, आज ठीक हो जाएगी, या हमने आज पैंच करवा दिए, आज ये करवा दिए, परंतु दूसरे दिन वही हालत में मिलती है। बहुत लोग परेशान हैं यहाँ पे। इस आने वाले हमारे जितने भी बच्चे यहाँ स्कूल जाते हैं उनके बरसात में पानी भर जाता है, उनमें गड्ढे से उनके कपड़े ख़राब हो जा रहे हैं, और गाड़ियाँ तो आने को यहाँ पर कतराने लगी हैं कि ड्राइवर लोग पैसे अधिक लेने लगे हैं, जिससे कि ये उनके वो बोले हमारे सौकर कोई को अलग सौकर चला गया। तो सभी लोग से मेरा निवेदन है कि इस रूट पर विशेष ध्यान देकर घोड़ाखाल भवाली मार्ग को सही किया जाए। आपका नाम? धन्यवाद। रमेश जोशी। सर, रोड की हालत तो बहुत बुरी है, बहुत ज़्यादा बुरी है, और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे कई लोग यहाँ पे अच्छे से अच्छे लोग यहाँ पे आते हैं मंदिर में, मतलब एक विधायक से लेकर के, मतलब जितने बड़े से लेकर छोटे से हर कोई इस मंदिर में आता है। इस मंदिर की इतनी मान्यता है, स्कूल में है, ब्रिगेडियर लोग आते हैं, सब कुछ आते हैं। इनका अपना पर्सनल रोड है, पर्सनल खोल लेते हैं ये लोग। तो ये इन लोगों को ग्रामीण से या किसी अदर पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है। तो इस रोड की हालत, मतलब जो बड़े मंत्री आ रहे हैं उनके लिए तो अच्छी रोड खुल जाती है, अलग से रोड खुल जाती है, अलग से सैनिक स्कूल की अलग से रोड खुल जाती है, पर जो मंदिर में जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको तो हर तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। और रोड की हालत बहुत बुरी है, बहुत ज़्यादा बुरी है। आपका नाम? ममता जोशी। कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से, यही कहना चाहेंगे कि देखिए, इलेक्शन से पहले तो बड़े बड़े नेता लोग आते हैं और बड़े बड़े वायदे करके चले जाते हैं। इस टाइम की स्थिति में यह है कि ग्रामीण की आस लगा के बैठा हुआ है। जिस प्रकार से नेता लोग उस टाइम पे आए हुए थे कि आप हमें वोट दीजिए, हम आपके लिए ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, ये सुविधा देंगे, परंतु ये सब चीज़ें जितनी सारी खोखली नज़र आ रही हैं। आपके TV के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से अगर आप चल सकते हैं तो मैं रोड की स्थिति ऐसी दिखा सकता हूँ कि रात्रि के समय किसी का स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो आने जाने की दिक्कत है, गाड़ी की दिक्कत है, छोटे छोटे बच्चे आते हैं स्कूल को आने जाने में, कोई गिर गया, लुढ़क गया, किसी के सर पे चोट आ गई, तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। रोड की स्थिति बहुत ही दयनीय है। आपका नाम? मेरा नाम, मैं ललित मोहन आर्या। देखिए, मेजर प्रॉब्लम तो रोड का ही है। अब जैसे आप ये देखें, ये सारी रोड ऑलमोस्ट टूटी हुई है। अब गाड़ी आती है तो गाड़ी में भी हमें लगता है कि, वैसे इतना तो हम पहाड़ों में नहीं चलाते, लेकिन जब ये हालत देखते हैं और प्लस हम साइकिल चलाते हैं तो भी प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे हमें साइकिल से उतर के साइकिल घसीटनी पड़ती है, क्योंकि रोड ऐसी नहीं है कि इसके ऊपर हम साइकिल आराम से चला कर ले जाएं। और रेगुलर आते हैं यहाँ पे साइकिलिंग के लिए। हमने यहाँ पर अपना बेस बनाया हुआ है कि जैसे मैं नोएडा से आया, नोएडा से, लखनऊ से, हर जगह से ग्रुप आता है हमारा, और फिर यहाँ पर आकर हम साइकिलिंग के लिए निकलते हैं। तो पहले इस पोर्शन में कम से कम हमें साइकिल घसीट कर निकालनी पड़ती है, और उसके बाद फिर हम आगे जाकर बैठते हैं। तो आगे मंदिर में इतने लोग आ रहे हैं, यहाँ पर इतने लोग आ रहे हैं, फिर भी रोड की ऐसी हालत जो है, दैट इज़ अमेजिंग। मतलब, मेरा नाम विशाल भार्गव है, नोएडा में रहता हूँ मैं।
यहाँ पे सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ा धर्मस्थल है घोड़ाखाल मंदिर जो है, बहुत देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं। ये यहाँ के नेता क्या हैं, ये पुष्कर सिंह धामी जी दो बार यहाँ आ गए हैं, तो यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं उसको स्कूल के बीच से लाते हैं उनको, यहाँ पे रोड अच्छी रोड है। बाहर की स्थिति को कोई देखता नहीं है, कितने एक्सीडेंट हो गए हैं इस रोड पर, कितनी गाड़ियाँ नीचे चली गई हैं, जब रोड बनी है कोई उसमें पैराफिट नहीं है कहीं पर, और बरसात में तो स्थिति ऐसी हो जाती है कि आधी गाड़ी पानी के अंदर घुस जाती है, इतनी स्थिति ख़राब है। रोज़ स्कूटर से एक बंदा अभी हमारे इधर गाँव पर है, अभी एक महीने पहले की बात है, तो उसकी पछलियाँ एक कमर टूट गई पूरी, वहाँ हल्दानी अस्पताल में भरती है सुशीला तिवाड़ी में, तो यहाँ से उठा करके उसको ले गए फिर हवाली, वहाँ से रेफ़र किया गया हल्द्वानी के लिए, और दो बार वहाँ पर मोड़ पर गाड़ी चलेगी नीचे, जो मोड़ बना रखा है मोड़ पर गाड़ी, छोटी गाड़ियाँ नहीं मुड़ती उस मोड़ में सर, बड़ी गाड़ी तो लग रही है, छोटी गाड़ियाँ भी नहीं मुड़ पाती हैं इस मोड़ पर, और नीचे इतने बड़े गड्ढे हैं। हाल में ही 10 लाख रुपये दिए थे इनने, तो 10 लाख रुपये में मेरे ख्याल से 1 लाख का काम नहीं हुआ साहब उसमें 10 लाख में। इनसे हमने कई बार फ़ोन कर दिया है कि भाई स्थिति ऐसी हो रोड की, लोग जहाँ स्कूल बच्चे स्कूल जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों गेट पर गाड़ी खड़ी होती है, यहाँ से गेट तो पैदल बच्चों को भेजना पड़ता है, गाड़ी ऊपर को आती नहीं है। आपका नाम? मेरा नाम महेश जोशी है सर। सर ये 4 किलोमीटर की जो हमारी रोड है प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत घोड़ाखाल धुलई मोटर मार्ग है ना, तो इसको बना हुआ करीब 15 साल हो गया, तो जबकि प्रधानमंत्री सड़क योजना जो भी होती है वो कुछ टाइम के बाद वो PWD को ट्रांसफ़र हो जाती है, लेकिन कारण ये समझ में नहीं आया कि 15 साल बीत जाने के बाद भी इस रोड को PWD को ट्रांसफ़र नहीं हुई है। दूसरी बात, ये रोड इतनी जीर्ण शीर्ण अवस्था में अभी वर्तमान समय में है, और 4 किलोमीटर की रोड है, लेकिन इसका जो महत्व है, यहाँ पर पूरे भारतवर्ष के लोग आ रहे हैं और हर स्टेट का आदमी यहाँ पर आता है, तो ये 4 किलोमीटर की रोड ऐसी बनी है सर, यहाँ पर कोई भी दुर्घटना किसी भी दिन हो सकती है, क्योंकि न दीवारें हैं न रोडों को प्रधानमंत्री सड़क योजना के मापदंड से बनाया गया है, और न दीवारें हैं न रोड में डामरीकरण है। एक बार हल्का सा डामरीकरण हुआ था, उसके बाद यहाँ कोई सुध लेने वाला नहीं है, जबकि ये इतना VIP रोड है, 4 किलोमीटर का रोड है, लेकिन वर्तमान समय में सर ये बहुत ही बहुत परेशानी का सबक इस रोड ने बना दिया। आपका नाम? मेरा नाम हरी सुप्रीति। सर कई सालों से ये रोड आज तक बनी नहीं है और हमेशा जीर्ण शीर्ण होते जा रही है, और खुद मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आए थे गोलू देवता मंदिर पे, उन्होंने हम लोगों को आश्वासन भी दिया था कि मैं अति शीघ्र इसको कराऊंगा करके, तो आज तक अभी तक नहीं बनी है, और स्थानीय विधायक जी भी यहाँ पे रहते हैं, उनको भी कोई पता नहीं रहता इस बारे में, वो खुद इस रास्ते से आते हैं, सांसद खुद आते हैं, लेकिन आज तक ये रोड का अभी तक कुछ नहीं हुआ। आपका नाम? मेरा उमेश जोशी।